रेस्टोरेंट जैसा तंदूरी मटन मसाला आज हम बनाने वाले हैं, और इतनी टेस्टी रेसिपी बनती है ना कि आप बाहर का खाना भूल जाओगे और घर पर ऐसे ही बनाना पसंद करोगे। रिच क्रीमी ग्रेवी रहेगी जो एकदम परफेक्ट सी बनकर होटल जैसी रेडी होगी, और उसी के साथ साथ मटर रहेगा एकदम बटरी सॉफ्ट और खाने में बहुत ही ज़बरदस्त स्मोकी फ्लेवर वाला। ये तंदूरी मटन मसाला आप घर पर ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए इस डिलीशियस सी रेसिपी को हम शुरू करते हैं, ताकि आप भी इस रेसिपी को ज़रूर घर पर बनाएं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इंजॉय करें। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले मटन को कुकर में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो ये मैंने 1/2 kg ले लिया है मटन, और नली का गोश्त मैंने ये लिया हुआ है। अब इसमें जाएगा 1 teaspoon भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसी के साथ साथ हमें इसमें ऐड करना है थोड़ी सी 1/4 teaspoon हल्दी पाउडर, और 1/2 teaspoon हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्ची पाउडर। थोड़ा सा नमक हमने डाल देना है इसमें, और उसी के साथ साथ इसे थोड़ा सा मिक्स दे देते हैं। इसमें पानी भी जाएगा अभी, तो चलिए एक थोड़ा सा मिक्स देते हैं, और पानी डालकर भी हम इसे मिक्स कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने मिक्स कर लिया। उसके बाद इसमें मैंने 1/2 glass ऐड किया है पानी, क्योंकि मटन में से भी थोड़ा थोड़ा पानी रिलीज़ होगा तो ये मटन उसमें अच्छे से गल जाएगा। पानी डालकर हमने कर लिया है यहाँ पर मिक्स। मिक्स करने के बाद अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे, और कुकर का ढक्कन हम बंद करके यहाँ पर ले लेंगे हाई फ्लेम पर 3 pressure, ताकि मटन जो है वो अच्छे से एकदम गल जाए। और यहाँ पर हाई फ्लेम पर 3 pressure लेने के बाद पूरा प्रेशर ऑटोमेटिकली रिलीज़ करना है। उसके बाद जब तक मटन हमारा गलता रहेगा, प्याज को हमने फ्राई कर लेना है। तो 2 से 3 tablespoon तेल ऐड कर लेंगे, और उसमें हमने डाल देना है 3 प्याज ले ली थी मैंने, और उसे हमने गोल्डन ब्राउन जो है वो फ्राई कर लेना है। जैसे हम बिरिस्ता बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही प्याज को हम यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। तो ये अच्छे से प्याज को हम फ्राई कर लिए हैं, और देख सकते हैं आप कितना अच्छा सा कलर आ गया है इस पे गोल्डन। तो चलिए पूरी प्याज को हमने एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेना है, क्योंकि हमें इसे पीसना है। तो चलिए एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेते हैं। और ये देखिए मटन भी अच्छा सा गल चुका है, और पूरा प्रेशर ऑटोमेटिकली हमने रिलीज़ किया। अब इसका पूरा पानी हाई फ्लेम पर हम ड्राई कर लेंगे। उसके बाद जब प्याज ठंडी हो चुकी है, तो मिक्सर जार में जाएगी प्याज पूरी तली हुई। उसी के साथ साथ इसमें जाएगा 50 g दही, और उसी के साथ साथ इसमें 7 से 8 जाएंगे काजू, 1 चम्मच जाएगी इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और थोड़ा सा ऐड करेंगे यानी 1.5 चम्मच मैंने ऐड किया हुआ है, और 1/2 teaspoon जाएगा इसमें गरम मसाला पाउडर। अब इसे पीस लेना है हमने, और ये देखिए मटन का भी पूरा पानी जो है वो हमने ड्राई कर लिया है। अब मटन हमारा अच्छे से गल चुका है, तो इसे अब हम रख देते हैं साइड में, और पैन हम गरम करने रखेंगे। और उससे पहले हमें इसमें स्मोकी फ्लेवर भी दे देना है। तो चलिए एक कोयला हमने गरम करके रख दिया, उस पर थोड़ा सा तेल डाल देंगे, और कुकर का ढक्कन आप बंद कर लें, या इस तरह से ऊपर से रख दें, या बंद कर लीजिएगा, और 2 से 3 मिनट तक रहने दीजिएगा, ताकि अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर जो है ना वो मटन में आ जाए। इससे आपके मटन में बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाएगा। तो चलिए अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर जो है वो मटन में आ चुका है। अब हमने उसी पैन में जिसमें प्याज को फ्राई किया था, उसी पैन में तेल को गरम कर लिया, और उसमें हमने डालना है 1 teaspoon अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से भुनना है ताकि कच्ची महक सारी निकल जाए। तो कुछ सेकंड भुनने के बाद अभी हमें इसमें ऐड करना है लाल मिर्ची पाउडर, ताकि अच्छे सा कलर जो है वो ग्रेवी में आएगा। तो यहाँ पर 1/2 teaspoon हम ऐड करेंगे तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने इस्तेमाल की थी पीसते वक्त कश्मीरी लाल मिर्च का, तो यहाँ पर हम तीखी वाली इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छे से मिलाते हुए भुनेंगे। उसके बाद 2 टमाटर ले लिए थे मीडियम साइज़ के, उसको हमने पीस लिया था, वो पीसे हुए टमाटर हमने इसमें डाल देना है। अच्छे से मिलाना है, और मिलाते हुए इतना भुन लेना है कि टमाटर का पूरा पानी जो है वो ड्राई हो जाए, और इस तरह से तेल जो है वो रिलीज़ हो जाए। ये देखिए एकदम मसाला अच्छा सा हमारा भुन चुका है, कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब जो हमने प्याज काजू और उसी के साथ साथ हमने इसमें डाला था जो दही, उसका हमने पेस्ट बना लिया था, वो पेस्ट हमने इसमें डाल देना है, और अच्छे से मिलाना है, और मिलाते हुए इतना भुनना है कि पूरा जो इसका भी दही का पानी रिलीज़ होगा वो ड्राई हो जाए, और तेल जो है वो अच्छा सा रिलीज़ हो जाए। तो चलिए अच्छा सा भूनते हैं हम यहाँ पर। तो ये मसाले का ही बचा हुआ थोड़ा पानी भी हमने इसमें डाल देना है। भुनाई जितनी अच्छी होगी ना, उतना ही अच्छा टेस्ट आपकी इस ग्रेवी में आएगा। यहाँ पर ढककर हम रख देते हैं 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, ताकि अच्छी सी तरी जो है वो ऊपर आ जाए और मसाला भुन जाए। तो यहाँ पर 7 मिनट तक मैंने रख दिया था, और ये देखिए तरी अच्छे से ऊपर आ गई है। तो इसमें सबसे पहले जाएगा नमक। तो हमने मटन में भी थोड़ा नमक इस्तेमाल किया था, तो ग्रेवी के हिसाब से हम यहाँ पर नमक जो है वो ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे, और हाई फ्लेम पर अब हम इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए भूनेंगे। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर आया है ग्रेवी का, और बहुत ही अच्छे से तेल जो है वो रिलीज़ हो गया है। तो यहाँ पर इतना हमने भून लेना है, उसके बाद मटन हमने इसमें ट्रांसफ़र कर लेना है। तो ये जाएगा इसमें मटन। मटन को अच्छे से ग्रेवी में मिलाते हुए भूनना है 1 मिनट के लिए, ताकि जो फ्लेवर है मसालों का और मटन का ग्रेवी में आ जाए। तो चलिए मिलाते हुए भूनते हैं हम यहाँ पर 1 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसमें
ऐड करना है थोड़ा सा पानी, क्योंकि ये ग्रेवी बहुत ज़्यादा थिक है और अब ये ग्रेवी पकेगी थोड़ी और पानी डालने के बाद, तो ज़्यादा पानी हमने नहीं डालना है। लगभग हाफ ग्लास मैंने इसमें पानी किया है, वो भी ग्लास जो है वो छोटा था। तो चलिए मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद ढककर हम इसे पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि अच्छा सा बॉईल आ जाए और ये ग्रेवी जो है वो पक जाए। तो पहले 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लीजिएगा। और ये हो चुके हैं टोटल 5 मिनट, और ये देखिए ज़बरदस्ती तरी साइड में आ गई है, और ये अभी हमारी बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी जो है वो बनकर रेडी होने वाली है। तो इसका टेस्ट और बढ़ाने के लिए हम इसमें डालने वाले हैं अभी कसूरी मेथी और हरा धनिया। तो 1 टीस्पून जाएगी इसमें कसूरी मेथी, और उसी के साथ साथ इसमें जाएगा थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया। इसका फ्लेवर जो है ना इसमें बहुत अच्छा आता है कसूरी मेथी और धनिए का, तो वो भी हमें मिला देना है। मिलाकर हमने गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। बंद करने के बाद ढककर हमें इसे रख देना है 5 मिनट के लिए, उसके बाद सर्व करें ताकि तरी अच्छे से ऊपर आ जाएगी, फिर आप इसे सर्व कीजिएगा। तो चलिए गैस की फ्लेम बंद कर लेते हैं और फिर हम इसे बताते हैं आपको। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, तरी अच्छे से ऊपर आ गई है, और ये हमारी ज़बरदस्ती तंदूरी मटन मसाला की रेसिपी जो है वो बनके हो चुकी है रेडी। तो आप भी एक बार मेरे तरीके से बनाइएगा। रेस्टोरेंट जैसी ग्रेवी जब आपको चाहिए, स्मोकी फ्लेवर वाला जो मटन है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो एकदम फ्लेवरफुल मटन आपकी रेडी होगी। रोटी पराठा राइस के साथ खाने के लिए एकदम परफेक्ट है, नान के साथ आप इसे खा सकते हैं, और ये होटल जैसी ग्रेवी जो है वो बना सकते हैं आप घर पर बहुत ही आसानी से। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। कैसी लगी रेसिपी हमें फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे लाइक शेयर कीजिएगा और लाइक भी करते जाइएगा, और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।